जबरदस्त, क्या बात है। खाने वाल से ऑर्डर आया है 30 लाख रुपए का, और इसको पैक करो, जल्दी करो। राम 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 राम, हमारा बिग ब्रदर आया है। भगवान आपकी रक्षा करे। ओ मेरे भाई रैम्बो राम, कैसे हो? और ठीक ठाक हूँ, बहुत खुशी हुई। तुम्हारा कारोबार का उरूज देखकर कृष्णा राम बहुत खुश हुआ रे, बहुत खुश हुआ। तशरीफ रखें, बैठो। क्या पसंद करोगे, ठंडा या गरम? छोटे विस्की पीता हूँ, और वो भी खालिस, एक नंबर। जश्न का इंतजाम किया जाए, जो जो मेरा भाई कहता है इसको ला के दो। छोटे ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है रे। बिग ब्रदर, रहता मैं पाकिस्तान में हूँ, मगर इंडिया मेरे दिल में बसता है। चलो सर, ये रिपोर्टर है, इसके पास सारी रिपोर्टें हैं हमारे कारोबार की। अरे ओ रिपोर्टर, बहुत हिम्मत वाले हो, जानते हो एक इंडियन शहरी से तुम्हारी मौत हो सकती है, मौत। पर हमें क्या, हमने तो पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खाई है, क्यों ग्रिंगो? ले जाओ इस रिपोर्टर को, ले जाओ। कृष्णा राम, तुम शायद वो भूल रहे हो 1985 की जंग। हमारे एक ही मेजर असीत भट्टी पूरे इंडिया आर्मी पर भारी था। अगर यहाँ के लोगों को इंडिया जाने का मौका मिला तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। भाई अगर यहाँ से आधा पाकिस्तान गया ना, तो फिर हुकूमत तुम्हारी मोदी की नहीं, इमरान खान की होगी। बहुत भौंक रहा है, तुझे तो अभी ठिकाने लगाता हूँ। क्या बात है बेटा, मुझे परेशान लग रहे हो। आज तो 14 अगस्त है, आज के दिन तो हम आजाद हुए थे, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं क्यों कोई बात नहीं है, मुझे तुम परेशान नजर आ रहे हो, लगता है तुम्हें मेरी बहू की याद आ रही है। अच्छा आपको कैसे पता? बेटा मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरी माँ नहीं है, मैं पहचान सकती हूँ कि मेरा बेटा क्यों परेशान है। बस माँ जब से वो ट्रेनिंग कर गई है ना, मेरी उससे कोई मुलाकात ना कोई बात हुई है। चलो बेटा परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी आ जाएंगे। चलो माँ मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? 14 अगस्त की सिक्योरिटी मेरी निगरानी में है।
मैं वहां जा रहा हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह चैनल मुल्तान के खुसूसी मेहमान जिन्हें हमने दावत दी है आपकी अली। प्यारे दोस्त, ये हैं अली इकराम सिंगर पाकिस्तान के, और जी आर अंसारी साहब ये भी हमारे पाकिस्तान के सिंगर भी हैं और माउन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बैठा बावरी। कृष्णा राम से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है रे। तुमने मेरे भाई को गोली मारी थी, अब अपनी माँ को मरता देख इसकी मैं जिंदगी किस तरह से खींचता हूँ। इस बुढ़िया को बचाने वाला तुम कौन हो? पाकिस्तान की बेटी हूँ मैं। मैं इस लफ्ज़ से तंग आ गया हूँ, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कृष्णा राम की ताकत को नहीं जानते तुम, और तुम पाकिस्तानी कमांडर्स की ताकत को नहीं जानते। देख ली तूने पाकिस्तान की एक बेटी की ताकत? मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। नीचे बैठ जाओ।
पहले तो भाभी को कभी नहीं देखा था गुस्से में, आज इतना गुस्सा क्यों है? भाईजान ये कमांडो ट्रेनिंग पे गई है। मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम हमारे मुल्क के दुश्मन हो और दुश्मन की सजा सिर्फ मौत है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। हम शर्मिंदा हैं, मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दो। माँ जी, माँ आप ठीक है ना? जी बेटा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे मुझे तो फख्र है अपनी औलाद पर कि वो इस पाकिस्तान के लिए जान देने पर भी तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा परचम, ये प्यारा परचम।